एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक बार उसने एक पेड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे एक मुर्गा को देखा। उसने अपने विचारों में सोचा कि यह भोजन कितना अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए समस्या यह थी कि मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकती थी। वह चाहती थी कि मुर्गा किसी दिन पेड़ से नीचे वापस आ जाए, तो लोमड़ी पेड़ के नीचे चली गई। उसने मुर्गा से कहा, भाई तुम्हारे लिए एक कुशल सूचना है। बस स्वर्ग से एक आदेश आया है कि अब सभी पक्षी और जानवर सामूहिक रूप से निवास करेंगे। अब हम किसी भी तरह से एक दूसरे को नहीं मारेंगे, यहाँ तक कि लोमड़ी भी मुर्गा नहीं खाएगी। इसलिए तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। नीचे आओ और हम बैठकर आपस में बात करेंगे। मुर्गे ने कहा, वाह, आपने उत्कृष्ट जानकारी सुनी है। देखो, तुम्हारे कुछ साथी तुमसे मिलने आ रहे हैं, मेरे मित्र। लोमड़ी हैरान थी कि मेरे कौन से साथी आ रहे हैं। मुर्गा मुस्कुराते हुए बोला, शिकारी कुत्ते। सुनते ही लोमड़ी कांप उठी। उसने भागने के लिए लंबी छलांग लगाई। मुर्गा ने कहा, तुम उनसे क्यों डर रहे हो? अब हम मित्र हो गए हैं, आपस में दोस्त बनने के लिए क्या हम नहीं हैं? हाँ, लोमड़ी ने कहा, शायद शिकारी कुत्तों को इस बारे में न मालूम हो। और लोमड़ी डर से भाग गई।